परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय मेरे गुरु बंधु पूज्य श्री रमन मुनि दादा शास्त्री जी, जो जो संगीत के अंदर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, बहुत अच्छा उनका अभ्यास है। आज यदि मैं आपको बोलूं कि मेरे हाथ में कुछ माइक है, तो ये भी इन्हीं का सिखाया हुआ कुछ है जो आप सबके समक्ष यहाँ पर आज मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। तो सुबह से परमात्मा के दिव्य भजनों का आनंद हम सब ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैंने एक व्यवधान पैदा कर दिया हो। इतने सुंदर सुंदर भजनों का हमने श्रवण करा, लेकिन परमात्मा को प्राप्त कैसे करना है, परमात्मा को रिझाना कैसे है, परमात्मा हमें प्राप्त कैसे है। बहुत अमीर लोग यहाँ पर संसार के अंदर विचरण करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अमीर वो व्यक्ति है जो परमात्मा के सन्निकट पहुंच चुका हुआ है। सबसे बड़ा अमीर 2018 की बात आपको बतलाना चाहूंगा। पहली बार नंदगांव जाने का अवसर प्राप्त हुआ, ठाकुर जी के दर्शन करे, ठाकुर जी के दर्शन करके जैसे ही मैं बाहर निकला तो वहां पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे और हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि हे लल्ला कुछ दे दे। ब्रज भाषा के अंदर अच्छी धोती उन्होंने डाली हुई है, अच्छा कुर्ता उन्होंने डाला हुआ है, सिर पर पगड़ी है, माथे पर तिलक लगाया हुआ है और हाथ आगे करके कहते हैं कि लल्ला कुछ दे दे। अपनी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर प्रश्न कर दिया, बाबा वेशभूषा से तो तुम इतने अच्छे दिखाई देते हो, पर मांगते क्यों हो? उस वृद्ध व्यक्ति के भाव मैं शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर सकता। वो बाबा बोले कि जिसे केशव छोड़कर चला गया हो, जिसे कृष्ण छोड़कर चला गया हो, उससे बड़ा गरीब और कौन हो सकता है। कहकर गया था परसों आऊंगा, लेकिन उस निष्ठुर की परसों आज तक नहीं आई। हम अक्सर सुनते हैं कि परमात्मा को गए हुए 550 वर्ष हो चुकी है, लेकिन उन भक्तों के मन की जो चीज है, जो पीड़ा है, वो आज भी वैसी की वैसी ही है। वो भक्त कितने अमीर हो चुके होंगे, खोज अपनी सेवा जग की, प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है जी लीजिए। एक बार चले आओ आंखों में बिठा लेंगे कि वह भक्त आज भी उस परमात्मा के वियोग में, परमात्मा के बिछोड़े में दुखी हो रहे हैं, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि कोई मेरा कन्हैया मुझे वापस लौटा दे, कोई मेरा कृष्ण मुझे वापस लौटा दे, कोई मेरा नंदलाल मुझे वापस लौटा दे। ये भाव हमारे मन में क्यों पैदा नहीं होता? देखिए, आज हम सब यहाँ पर परमात्मा की कृपा से एकीभूत हुए हैं। आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, हम आपको जानते हैं कि आप ठाकुर जी के भक्त हैं। आप हमें जानते हो कि ये परमात्मा के संत हैं। इतना परिचय हम सबका है, लेकिन नाम क्या है, कहां से आए हैं, किस कारण से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? तो आज परमात्मा की अतीव कृपा से यदि हम यहाँ पर पहुंच ही गए हैं, तो कहने के लिए संत यहाँ पर बहुत मात्रा में है।
हमारे संत जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक संत भी हो और वर्ष भर का समय भी हो तो भी समय कम पड़ जाएगा। इसीलिए आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि गोपियां जैसे सुनना चाहती हैं, वो कहना नहीं चाहती, सुनना चाहती हैं, उसी तरह आज भी हम यहाँ पर श्रवण करेंगे, सुनेंगे, क्योंकि आज हमें श्री गुरु जी की सन्निधि प्राप्त हुई है, जिनके सानिध्य के अंदर हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य एक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का दरबार और दूसरे हमारे श्री गुरु जी की सन्निधि। तो इसीलिए प्रेम के वशीभूत होकर हम सबने आज परमात्मा के भजनों को, परमात्मा के गुण को, परमात्मा के कीर्तन को, परमात्मा के साहित्य को, परमात्मा की कला को आज हमने यहाँ पर जानने का प्रयास करना है। तो परमात्मा को प्राप्त कैसे करें? जाना तो हमने बहुत भजनों के माध्यम से कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से बड़ा कोई नहीं है, जान लिया, पाए कैसे? उसके लिए एक समर्पण भाव हम सबके मन में होना चाहिए, आत्मसमर्पण हमारे अंदर होना चाहिए। और जब तक ये आत्मसमर्पण हमारे अंदर नहीं आता, आप कितनी भी भक्ति कर लो, आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने आप को झुकाना पड़ेगा, क्योंकि जब कुएं में से पानी निकालना हो तो बाल्टी को नीचे जाना पड़ता है और झुकना पड़ता है। यदि बाल्टी में है कि मैं ऊपर ही रहूंगी और मैं झुकूंगी नहीं, तब तक वो बाल्टी कभी भी पानी से नहीं भर सकती। इसीलिए आत्मसमर्पण ठाकुर जी के श्री चरणों में करना पड़ेगा। त्रिकूट नामक पर्वत पर गजेंद्र अपने परिवार सहित निवास किया करते थे। हाथियों का राजा गजेंद्र अपने परिवार के साथ आनंद से विहार कर रहे हैं। आज मन हुआ कि चलो आज छुट्टी का दिन है, आज अपने बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए चले, जल क्रीड़ा करने के लिए गए। बात ऐसी है, मैं यहां पर बैठा हूं तो ध्यान आपका मेरी तरफ होना चाहिए, परमात्मा की तरफ भी रखिए और मेरे तरफ भी रखिए, क्योंकि मुझे कहीं ऐसा ना लगे कि मैं संतों को सुनाने के लिए बैठा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक संत प्रवचन कर रहे थे, तो प्रवचन करते करते क्या हुआ कि वहां पर सुनने वाला कोई नहीं बैठा हुआ था। अभी हमारे श्री दादाजी ने थोड़ी सी प्रेरणा दी इस कथा की, तो वहां पर संत कथा कर रहे हैं, लेकिन सामने उन्होंने क्या देखा, भाई सुनने के लिए तो कोई है नहीं, लेकिन एक भाग्यशाली व्यक्ति बैठकर कथा का श्रवण कर रहा था और संत बोल रहे थे। संत को अंदर से सेटिस्फेक्शन हुई, चलो कोई तो है। संत अरमान के साथ भाव विभोर होकर कथा कर रहे हैं, वो व्यक्ति बैठा हुआ है। 2 घंटे की कथा समाप्त हुई और कथा समाप्त होने के बाद संत ने कहा, भाई श्रीमान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी कथा को इतनी अच्छी तरह से सुना। वो व्यक्ति कहता, महात्मन मैं तो टेंट वाला हूँ, मैं तो वेट कर रहा हूँ कब आप चुप करोगे, मैं अपना टेंट उतार कर जाऊंगा। तो कहीं मुझे भी ऐसा ना प्रतीत हो कि मैं अकेला ही बोलने वाला यहाँ पर बैठा हूँ। तो इसलिए तत्चित्त होकर सभी श्रवण करेंगे, अधिक समय में आपका नहीं लूंगा। तो गजेंद्र अपने परिवार के साथ निवास करता है, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, और परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं। आज
जल क्रीड़ा करने के लिए गजेंद्र पानी में गिरा हुआ है, अपनी सूंड से अपने बच्चों के ऊपर पानी की बौछार करते हैं, बच्चे अपनी सूंड से अपने पिता के ऊपर बौछार करते हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। जल क्रीड़ा करते करते गजेंद्र पानी के अंदर जाना शुरू हो गया। बहुत अधिक अंदर जब जाने लगा तो सभी ने बोला, भाई आगे बहुत हिंस पशु रहते हैं, जलचर रहते हैं और पानी बहुत खोल है, आगे मत जाइए। लेकिन उस मस्ती के अंदर वो हाथी आगे चला जाता है, पानी के अंदर चला जाता है। क्या हुआ, एक मगरमच्छ ने उस हाथी के पांव को पकड़ लिया। हाथी को लगा, मैं तो बहुत बलवान हूं, मैं हाथियों का राजा हूं, कोई छोटा सा प्राणी होगा जिसने मेरे पांव को पकड़ लिया होगा, उसको तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। बहुत झटपट आया, अपने पांव को आगे पीछे हिलाया, लेकिन मगरमच्छ की जो पकड़ थी वो पकड़ वैसी की वैसी ही है, इतने जोर से पकड़ कर रखा हुआ है कि पांव में से रक्त निकलना शुरू हो गया। अब वो गजराज अपनी पत्नी से कहता है कि भाई मुझे बचाओ, मुझे ग्रह ने पकड़ लिया है, मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। तो पत्नी कहती है, मैं तुम्हें बचा तो लूं, लेकिन मगरमच्छ ने यदि मुझे पकड़ लिया तो मेरा कौन सहारा है। उस गजराज ने अपने बच्चों से कहा कि मुझे बचाओ, मेरा पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया हुआ है। तो बच्चे कहते, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपका व्यापार हम अच्छी तरह से चलाएंगे, आपके धन को अच्छी तरह से हम संभाल कर रखेंगे। गजराज हाथी चिंतित हुआ कि जिस परिवार के लिए मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, अपनी प्रत्येक खुशी मैंने समाप्त कर दी, वो परिवार आज मेरे ऊपर विपदा आन पड़ी है, तो मेरे से दूर हो रहा है। फिर उसने अपने सगे संबंधियों को बुलाया, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा। यह संसार की बहुत बड़ी विडंबना है कि परमात्मा अपना भजन करने के लिए, अपना कीर्तन करने के लिए हमें मनुष्य देह देकर इस संसार में भेजते हैं, लेकिन हम परमात्मा के उसी कार्य को छोड़कर बाकी सारे के सारे कार्य करते हैं। जिस कार्य के लिए परमात्मा ने भेजा वो कार्य हम नहीं करते, संसार को हमने अपना समय दिया। उस हाथी ने भी अपने ही परिवार को अपना समय दिया हुआ है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो सबसे पहले अपने ही परिवार के लोग पीछे होते हैं। पीछे वाले तो पीछे रहेंगे ही, लेकिन अपने ही लोग पीछे हो जाते हैं। तो परमात्मा जब देखते हैं कि मेरा भक्त संसार के अंदर जाकर मोह माया के चक्कर में फंस चुका हुआ है, तो परमात्मा हमें याद भी दिलाते हैं। ऐसा नहीं कि परमात्मा ने हमें भेज दिया और परमात्मा भूल गए, नहीं, बाल सफेद हो जाते हैं। परमात्मा ने याद दिलाई, भाई समय आ रहा है, भजन करो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बालों को डाई करवाते हैं, पेंट कर लेते हैं। किसी को काला रंग अच्छा लगता है, किसी को ब्राउन कलर अच्छा लगता है, और आज के समय में तो पूछिए ही मत बालों का हाल क्या किया जाता है, वो तो पूछिए ही मत। समय बीता, कानों से कम देना सुनाई हो गया, हमने मशीनरी लगवा ली। आंखों से दिखाई देना कम हुआ, हमने चश्मा लगवा लिया। दांत टूट गए, हमने पत्ती सी लगवा ली। मतलब परमात्मा नोटिस भेजते हैं, भाई समय समाप्त हो रहा है। हम कहते हैं, भगवान हम आपके नोटिस को खारिज करते जाएंगे। दांत लगवा लिए, क्योंकि आशा के साथ ये जीवात्मा बंधा हुआ है। अंगम गलितम पणितम मुंडम दशन विहितम जातम तुंडम,
शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन जीने की आशा जो है वो बढ़ती रहती है। तो जब गजराज ने देखा कि मेरे जो सगे संबंधी हैं वो पीछे हो गए हैं, वो अंतरंग भाव के अंदर अपने मन से बात करता है। वो अपने मन को क्या कहता है, मन में भजन कर गोविंद दा। गजराज क्या कहता है, मन में आवाज नहीं आई, मन में भजन कर गोविंद दा। शरीर बनाते हैं वो भी कैसा मुर्दा, जिंदा नहीं। इस मनुष्य के शरीर को बनाने के लिए कितना खर्च आएगा, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी और क्या पाया कि 3,000 ट्रिलियन डॉलर, मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन, ट्रिलियन 3,000। और इंडियन करेंसी वो कितनी हो जाएगी, घर जाकर कैलकुलेट करना और मुझे बताना। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ, अमीर कौन कौन है? सभी अमीर बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि श्वास रूपी धन हमारे पास है जो खरीदा नहीं जा सकता, ना बेचा जा सकता है। इसीलिए मन में
लेकिन परमात्मा को क्या अभिप्रेत हुआ कि अरे गरुड़ आज तेरी गति को क्या हो गया भाई, आगे तो तू बहुत तेज चला करता था, अब क्या हुआ। और मेरे ठाकुर जी उसी समय गरुड़ से उतर कर नंगे पांव भागने लग जाते हैं, क्योंकि आज भक्त ने समर्पण भाव से परमात्मा को याद किया हुआ है। द्रौपदी की बात हम सुनते हैं, द्वापर युग के अंदर जिसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपनी बहन बोला करते थे, उस द्रौपदी को परमात्मा प्राप्त कैसे हुए। भगवान द्रौपदी के साथ है लेकिन उसे प्राप्त नहीं हुए। संत हमारे सामने बैठे जरूर हैं, लेकिन जब तक वो अपने मुख से कुछ ज्ञानों को देश नहीं बोलते वो हमें प्राप्त नहीं होते। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण महाराज जी द्रौपदी के समक्ष रहे हैं, बहुत बरस रहे हैं, लेकिन द्रौपदी को वो प्राप्त नहीं हुए। एक बार क्या हुआ, मामा शकुनी धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं कि धृतराष्ट्र बहुत समय व्यतीत हो गया, पांडु पुत्रों का दर्शन हमें प्राप्त नहीं हुआ, पांडु पुत्रों का आगमन नहीं हुआ, किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, किसी कार्यक्रम की स्थापना करते हैं जो पांडु पुत्रों का आगमन हो। धृतराष्ट्र ने कहा बहुत अच्छी बात है, आपसे मेल बढ़ना चाहिए, मैं तो इसी हक में हूं। विदुर जी को बुलाया गया और विदुर जी से निवेदन किया गया कि जाओ जाकर पांडु पुत्रों को कहो कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया गया है, आप पधारो। विदुर देव महामंत्री होने के नाते आज्ञा को प्राप्त करके युधिष्ठिर के पास आते हैं और आकर युधिष्ठिर को कहते हैं कि भाई मैं हस्तिनापुर का महामंत्री यहाँ पर पधारा हूँ और महाराज धृतराष्ट्र की एक आज्ञा लेकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। युधिष्ठिर ने अभिवादन करा, नमस्कार करा और कहा कि हमारे तात श्री ने जो भी हमारे लिए आदेश भेजा हुआ है उसे सविस्तार बताए। तो विदुर देव ने कहा कि हस्तिनापुर के अंदर द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया गया है, कार्यक्रम रखा गया है और आपको बुलाया गया हुआ है, ऐसा आदेश आज्ञा आपको मैं यहां पर बतलाता हूं। महामंत्री का पद का जो कार्य था वो समाप्त किया, उसके बाद विदुर पुनः कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा काका बनके तुम्हारे सामने खड़ा हूं और मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, उस द्यूत क्रीड़ा में नहीं जाना, महामंत्री के कारण मैंने तुम्हें सूचना दे दी, अब तुम्हारा काका होने के नाते मैं तुम्हें बोलता हूं कि वहां मत जाऊंगा। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे तात श्री ने आज्ञा करी है, मेरे बड़े पिताश्री ने आज्ञा करी है, मैं उनकी आज्ञा को मोड़ नहीं सकता, मैं तो अवश्य जाऊंगा। हस्तिनापुर में प्रवेश किया,
महारानी द्रौपदी जो पंच पांडवों की पत्नी बन चुकी है वो समक्ष है, साथ है। वहां पर गए, द्यूत क्रीड़ा का आरंभ हुआ। उस द्यूत क्रीड़ा के अंदर पासे फेंकने का जो काम था वो शकुनी को दिया हुआ है। पासे फेंके जा रही है, द्यूत आरंभ हुआ, जुआ आरंभ हुआ और उस जुए के अंदर पांडव सर्वप्रथम अपना राज्य हार जाते हैं। राज्य हारे, राज्य हारने के बाद शकुनी ने कहा कि जो भाई होते हैं वह भी संपत्ति कहलाते हैं, इसलिए हे युधिष्ठिर महाराज आप अपने भाइयों को दांव पर लगाओ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जीवात्मा का बुरा समय आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और यह भी कहा जाता है कि जब समय खराब हो जाए तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। पांडवों का समय खराब आ चुका हुआ है, अपने भाइयों को दाव पर लगाया, हार गए। शकुनी ने पुनः कहा कि तुम अब अपने राजे हो, अपने आप को दाव पर लगाओ। युधिष्ठिर ने अपने आप को भी दाव पर लगा दिया, राजे से गुलाम बन चुके हैं। लेकिन दुर्योधन जो था वो द्रौपदी से बदला लेना चाहता था। वो बदला कि जब द्रौपदी की सखी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, तो दुर्योधन को लगा कि मुझे ताना मारा गया है, क्योंकि मर्म जो होता है जब उसको कुरेदा जाता है तो बहुत दुख होता है। तो दुर्योधन द्रौपदी से बदला लेना चाहता था, तो शकुनी ने कहा कि हे महाराज, स्त्री को भी एक धन बोला गया हुआ है। स्त्री क्या होती है? संपत्ति, उस समय की भाषा के अंदर। आज के समय में स्त्री पुरुष की संपत्ति नहीं है, याद रखिए। वो समय और था, वो दौर और था, आज का समय और है। लेकिन जितना स्त्री का उत्थान होना चाहिए था आज के समय में, उतना हो नहीं पाया। आज भी स्त्री को दबा कर रखा जाता है, अपने पांव की धूल समझा जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि ये हमारा धन है। लेकिन याद रखिए, स्त्री को अर्धांगनी कहा जाता है, ना कि संपत्ति। लेकिन शकुनी ने जब कहा कि स्त्री को भी संपत्ति कहा जाता है, हे महाराज आप द्रौपदी को दांव पर लगाइए, तो जो युधिष्ठिर ने कोई विचार न करते हुए द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और द्रौपदी को उस जुए के अंदर हार दिया हुआ है। कौन कहता है कि युधिष्ठिर धर्मराज है? जितना अधर्म युधिष्ठिर ने कर दिया हुआ है उतना अधर्म किसी ने नहीं किया। कौन युधिष्ठिर को धर्मराज बोलता है? जो अपनी पत्नी को जुए में हार रहा है, अपने भाइयों को जुए में हार रहा है, सबसे पहले जो जुआ खेल रहा है उसे कौन धर्मराज बोले? लेकिन हम तो उसे धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। पत्नी को हारा, दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि पांचाली जिस भी अवस्था के अंदर है उसे पकड़कर यहां ले आओ। दुशासन गया, कक्ष के बाहर सेना जो सिपाही खड़े हैं उन्हें कहा कि जाओ द्रौपदी को कहो कि तुम्हें सभा में बुलाया गया है। उस समय द्रौपदी उस अवस्था के अंदर है जिस अवस्था के अंदर स्त्रियां घर से बाहर निकलने का भी परहेज करती है। सिपाही अंदर गया, सिपाही ने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति हो चुकी है, महाराज युधिष्ठिर अपने राज्य को हार चुके हैं, अपने भाइयों को हार चुके हैं, अपने आप को हार चुके हैं। और द्रौपदी ने कहा और आगे कहो, तो
सिपाही कतराते हुए कहता है कि हे महारानी, उसने आपके पति ने आपको भी जुए में दांव पर लगाया और आपको भी हार दिया हुआ है। अब आप महारानी नहीं हो, आप दासी बन चुकी हो, इसलिए चलो। लेकिन द्रौपदी कहती, मैं इस बात को नहीं मानती। द्रौपदी बाहर नहीं आई। दुशासन ने जब देखा समय बहुत लगा, दुशासन अंदर गया और उस समय द्रौपदी रजस्वला हुई पड़ी है। उस स्थिति के अंदर दुशासन द्रौपदी के केश पकड़ता है और उसे घसीट कर सभा के अंदर लेकर जाता है। देखिए, स्त्री की जब दुर्दशा की जाती है तो क्या होता है। महाभारत ऐसे ही नहीं हुआ। जहां पर स्त्रियों का अपमान हो जाए, वहां पर प्रत्येक दिवस प्रत्येक क्षण महाभारत होती है। वह समय द्रौपदी के जीवन का सबसे कठिन काल था। दुशासन द्रौपदी के केश को पकड़कर अपने कुल के कुल वधु को उस स्थिति के अंदर घसीट कर सभा के अंदर लेकर जा रहा है। द्रौपदी रोती है, बिलखती है, चीत्कार करती है, बचाओ बचाओ, मेरे पांच पति कहां पर हैं? मेरे भीष्म पितामह कहां पर हैं? गुरु द्रोण कहां पर हैं? मेरे और जो सगे संबंधी है वो कहां पर है? माता कुंती कहां पर है? सत्यभामा कहां पर है? गांधारी कहां पर है? लेकिन कोई भी उस समय सहायता करने के लिए नहीं आया। द्रौपदी को सभा में लाया गया और सभा में क्या देखती है कि पांच पति नीचे बैठे हुए हैं, पांव पीछे करके उनके मुकुट मणि नीचे पड़े हुए हैं। जो राजे थे अब दास बने हुए हैं। और उसी समय कर्ण बोल उठता है कि रे द्रौपदी, आकर दुर्योधन की जंघा के ऊपर बैठ जा, जहां पांच पति हैं वहां पर छठा पति भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर तुम हो तो एक वैश्या। गुरु वंश के अंदर, उस कौरवों की सभा के अंदर जहां भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, बाल ब्रह्मचारी दृढ़ व्रत को धारण करने वाले गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, जिसके जैसा कोई गुरु नहीं है, विदुर बैठे हैं, जिसकी विदुर नीतियां हम पढ़ते हैं आज के समय में। लेकिन उस सभा के अंदर ऐसा निंदनीय कार्य हुआ जो आज तक इतिहास उसको दोहरा नहीं पाया। कहां के धार्मिक लोग? कौन कहता है इन्हें धार्मिक? हम नहीं मानते। जो व्यक्ति एक अबला स्त्री की लाज नहीं बचा सकता, उस पुरुष को तो पुरुष होने का भी अधिकार नहीं है। पुरुष अर्थात जो स्त्री को धारण करता है, जो पुरुषार्थ को धारण करता है, उसे पुरुष कहा जाता है। उस सभा में एक ही पुरुष था कौरवों के अंदर, जिसका नाम था विकर्ण। उस विकर्ण ने कहा कि ये आप लोग गलत काम कर रहे हो, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, और ये आपके कुल की कुल वधु है, आपकी पुत्र वधु है, आपकी पुत्र वधु के समान है, इसका अपमान नहीं करना चाहिए। और दुशासन जो द्रौपदी का देवर लगता है, भाभी माँ का रिश्ता है, कहां गए रिश्ते सारे? कौन कहता है कि कुरु वंश के अंदर बहुत बड़े बड़े धार्मिक लोग रहते थे? मैं नहीं मानता है। एक व्यक्ति धार्मिक यदि होता तो द्रौपदी को बचाने के लिए अवश्य आगे आया होता। इसलिए द्रौपदी सबके सामने चीत्कार करते हुए क्या कहती है? सबसे पहले द्रौपदी ने देखा कि मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे समक्ष बैठे हैं, कोई ना कोई तो मेरी लाज अवश्य बचाएगा। तो द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी के भाव को हम यहां पर शुरू करें। है पांचों पति बैठे सभा में हमारे, पांचों पति बैठे
तो जब द्रौपदी ने देखा कि जो मेरी सहायता करने के लिए नहीं आएगा, तो उस समय द्रौपदी अपने आत्मरक्षण के लिए क्या करती है, अपनी साड़ी को पकड़ती है। दुर्योधन दुशासन को कहता है कि जाओ दुशासन, इसकी साड़ी को खींचो, इसका चीद हरण करो। दुशासन गया और दुशासन जाकर द्रौपदी की साड़ी को हाथ लगाता है और द्रौपदी ने क्या करा हुआ है, अपनी साड़ी को पकड़ा हुआ है। ऐसे कैसे पकड़ के रखा है, दुहाई करती है। इधर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं और भोजन करते करते परमात्मा के अश्रु आंखों में से अश्रु पात शुरू हो जाता है। माता रुक्मिणी पूछती है कि हे माधव, भोजन करते करते ऐसा क्या हुआ जो आपकी आंखें सजल हो गई, आपकी आंखों में से अश्रु निकलने शुरू हो गए, ऐसी क्या घटना हुई? तो ऐसी स्थिति के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहती है कि वे रुक्मिणी, आज मेरी बहन की लाज जा रही है, आज मेरी बहन के ऊपर विपदा आन पड़ी हुई है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। माता रुक्मिणी ने कहा कि आप कुछ क्यों नहीं कर सकते, आप तो द्वारकाधीश हो, आप तो मथुरा के अधिपति हो, आप कुछ क्यों नहीं कर सकते। तो भगवान जी क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे रुक्मिणी, अब तक द्रौपदी को लगता है कि मैं अपने वस्त्रों को बचा सकती हूँ, उसने अपने कपड़ों को पकड़ कर रखा हुआ है। अभी तक जिस समर्पण का भाव, जो समर्पण का भाव चाहिए, वो द्रौपदी के मन में पैदा नहीं हुआ, इसीलिए मैं अभी तक जा नहीं सकता हूं। जब द्रौपदी ने देखा एक टोक दुशासन के हाथ में आ चुका है, दूसरा साड़ी का टोक समाप्त होने वाला है, तो उसी समय द्रौपदी क्या कहती है, हे केशव। क्या कहती है द्रौपदी, हे केशव। और जैसे ही द्रौपदी ने अपने हाथ छोड़ दिए, वस्त्रों को छोड़ दिया, उसी समय मेरे ठाकुर उसी समय भागते हुए द्रौपदी के पास आए और द्रौपदी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है, दुशासन साड़ी खींचता है, लाल वस्त्र पीला पीतांबर होकर जब निकलता है तो विकर्ण कहता है कि अरे दुशासन, अब साड़ी खींचना बंद कर दे, अब पीला पीतांबर आ चुका है। लेकिन दुशासन माना नहीं और द्रौपदी अंतरंग भाव के अंदर परमात्मा से एक प्रार्थना करती है। तो आत्मसमर्पण को हम भी अपने हृदय में धारण करते हुए, उस प्रार्थना का श्रवण करते हुए अपने विषय को हम विराम देने का प्रयास करेंगे। जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसका कोई भी डरना भवर का। जिसकी नैया संभाले कन्हैया, उसको कोई भी डर ना भवर का। एक उसकी ही मंजिल सही है, जो पथिक है प्रभु की डगर का।
नारियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब जब नारी का अपमान किया गया तब तब रामायण हुई, महाभारत हुई, और प्रत्येक घर में महाभारत थोड़ी थोड़ी चलती भी होगी, जिसका उल्लेख यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा समाज के अंदर जो स्त्री है उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री परमात्मा के सन्निकट रहती है। जितना भाव और प्रेम स्त्री परमात्मा से करती है, उतना भाव और प्रेम पुरुष परमात्मा के साथ नहीं कर पाता। इसलिए जब द्रौपदी ने संपूर्ण भाव से आत्मसमर्पण कर दिया तो ठाकुर जी पधार गए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, जल्दी बसीज जाते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के अंदर क्या है, हॉस्पिटैलिटी का गुण है। डॉक्टर आप लोगों ने देखे होंगे, आप डॉक्टरों के पास जाते हो, डॉक्टर ने आपको दवाई लिखकर दे दी और जाते जाते बोल दिया कि भाई ये मेरे कंपाउंडर का नंबर है, कुछ आवश्यकता हो तो ले लीजिए, आप घर आ जाते हो। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो अपना कार्ड दे देते हैं और कहते हैं कि कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। एक ऐसा ही व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे दवाई लिख कर दी और जाते जाते ये बोल दिया कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। अब इस श्रीमान को रात को 12 बजे छींक आई, फोन उठाया,
और डॉक्टर को नंबर लगा के डॉक्टर जी मुझे छींक आई। वो डॉक्टर गुस्सा नहीं हुआ, उसने कहा कोई बात नहीं, भाप लीजिए, गर्म पानी पीजिए, आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि उस डॉक्टर के अंदर हॉस्पिटैलिटी का गुण है। वो डॉक्टर बाहर से डॉक्टर नहीं है, दिखावे का डॉक्टर नहीं है, वो अंदर से डॉक्टर बन चुका हुआ है। इसीलिए हमारे ठाकुर जी कैसे हैं, अंदर से ठाकुर जी है, अंदर से भगवान है। इसीलिए भक्ति करनी हो तो ठाकुर जी की कीजिए, और आत्मसमर्पण से भाव से युक्त होकर परमात्मा को पुकारिए, तो फिर देखिए परमात्मा कैसे नहीं आते। कमी हमारे अंदर है, परमात्मा के अंदर कोई कमी नहीं, परमात्मा सर्वगुण संपन्न कहे जाते हैं। तो आज यहाँ पर भगवत संकीर्तन करने का हमें योग प्राप्त हुआ। इस कली काल के अंदर, इस कोरोना काल के अंदर हमें आज भगवत चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हमें सुनने का फिर सौभाग्य प्राप्त होगा, संतों को कहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ऐसा ही दुर्मल योग आज जिस परिवार ने यहाँ पर लाया हुआ है, ऐसे पूज्य परमार्ग सेवक श्रीमान राजीव जी अरोड़ा, उनकी धर्म पत्नी सौभाग्यवती ऋतु जी अरोड़ा, और उनके सगे संबंधी जो बाहर से भी आए हुए हैं, पूज्य श्रीमान परमार्ग सेवक विकास सेतिया जी, पूज्य श्रीमान राजीव सूद जी, जितने नाम मुझे याद हो सकते हैं आ रहे हैं, उन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो आज इस काल के अंदर हम सबको रूबरू होने का उन्होंने अवसर प्रदान करा। कुछ परमात्मा के भजन के अंदर जो ढुलाई हो चुकी है, क्योंकि आलसी हम भी हो चुके हैं, आलसी आप भी हो चुके हुए हो, बुरा नहीं मानना, कभी हमने भी आई, कमी आपके अंदर भी आई, लेकिन आज इस दुर्मिल योग के अंदर उस कमी की हम भरपाई करेंगे। इसीलिए आओ हम सब बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर। कुछ याद होगा शायद, नहीं ये किसने कहा, बाहर से आवाज आई, तो इसीलिए हम अध्यात्म की तरफ अग्रसर होने के लिए श्री गुरु जी के आशीर्वाद से, श्री गुरु जी की प्रेरणा से प्रत्येक वर्ष एक परीक्षा लिया करते थे, लेकिन उस कोरोना काल के कारण वो परीक्षा थोड़ी सी विलंब अवश्य हुई, लेकिन हो रही है। तो 6 दिसंबर को शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपके घरों में ही आपने परीक्षा देनी है। तकरीबन 90 विद्यार्थी हमारे पास एकत्रित हो चुके हुए हैं, तो जो जिन्हें सूचना प्राप्त नहीं हुई उनके लिए, तो इस अध्यात्म मार्ग में अग्रसर होकर अपना उद्धार करें, इस परीक्षा में सहभाग लीजिए और परमात्मा को दिखाइए कि हम भी द्रौपदी की जैसी परीक्षा दे सकते हैं। मुश्किल है, हम तो लिखित परीक्षा दे सकते हैं, द्रौपदी वाली परीक्षा हम नहीं दे सकते, इतने हम काबिल नहीं हुए। तो पहले लिखित परीक्षा ही देंगे 6 दिसंबर को। यदि किसी की इच्छा है परीक्षा देने के लिए तो मेरे पास आकर वो संपर्क करेगा, बाकी की डिटेल मैं आपको बाद में देना चाहूंगा। तो संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हुए, जो उन्होंने हमें यहाँ पर कुछ कहने का अवसर दिया, और हमें श्री गुरु जी के दर्शन भी हुए, सब भक्तों के भी दर्शन हुए। तो आज के इस अवसर की संपूर्ण परिवार को, आगर सभी भक्तों को, सभी संतों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने शब्दों को यहीं पर विराम देने का प्रयास करूंगा।